गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा देश को बांटने का रहा है, यही मौजूदा तथाकथित गांधी परिवार कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। बीएसपी विधायक रामबाई के बयान पर उन्होंने कहा कि वो उनके साथ बाकी सदस्यों से भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील करेंगे। लव जिहाद कानून पर गृह मंत्री ने कहा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक आज की जरूरत है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मूल रूप से गांधी परिवार जो है अभी वर्तमान में तथाकथित, इनका इतिहास बांटने का रहा है देश को। पहले देश के दो टुकड़े कराए, फिर जो देश के भाग थे कश्मीर जैसे 370 और वो लगा के उनको पृथक रखने की कोशिश की। अब उत्तर और दक्षिण एक गंगा जी में डुबकी लगाए, उत्तर में एक दक्षिण में। उनको बधाई पांडिचेरी की, उनकी यात्रा सफल रही। ये विभाजनकारी जो बात है ना, देखो यही सोच है दो पार्टियों का। वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कोविड एक महामारी है, प्रदेश का विषय नहीं है, वो विश्व का विषय है। और आज मैं अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो तो बहुत ही भयावह थी। उसके लिए अभी हमने प्रदेश के जो महाराष्ट्र से लगे जिले हैं, मैं थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना तो बैरियर लगा रहे हैं, ना कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं नाइट का। और इसलिए हम धीरे धीरे ठीक करेंगे उसको, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। रामबाई जी मेरी बहन है, उनकी नेता बहन जी है, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमारी चिंता है। जहां तक बाकी सदस्यों की बात है, सबसे आज आग्रह करेंगे कि वो कोविड के नियमों का पालन। स्वाभाविक रूप से आप जैसे जैसे इस पर प्याज की परतें उघाड़ेंगे, ऐसे कई चीजें निकल के आएंगी। चर्चा कभी भी हो, धर्म स्वातंत्र विधेयक आज की आवश्यकता थी, ये सिद्ध हुआ है, प्रमाणिक हुआ है। एक महीने के अंदर 24 घटनाएं आना, मतलब मैं तो मानता हूं हमें ही विलंब हो गया। कितनी हमारी बेटियों का जीवन खराब हुआ होगा, कितने लोग निकल के नहीं आए होंगे जो अभी भी मौन होंगे। इसलिए आवश्यकता है, इसको जल्दी करेंगे।